नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आप बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हो और फिर भी आपकी बीवी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है? अगर ऐसा ही कुछ आपके साथ हो रहा है तो आप भी कुछ गलतियां कर सकते हो। तो ये वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पुरुषों की कुछ गलतियों के बारे में जिनकी वजह से महिलाएं गर्भवती नहीं हो पाती हैं। तो ये कुछ आम कारण हैं। इसमें सबसे पहला कारण वो है बहुत ज़्यादा कम संभोग करना। दोस्तों, कई लोग ऐसा मानते हैं कि अधिक शारीरिक संबंध बनाने से गर्भधारणा की जा सकती है, वही कुछ इसके लिए कम शारीरिक संबंध बनाने पर जोर देते हैं। उनका मानना यह होता है कि कम संभोग करने से वीर्य की गुणवत्ता बरकरार रहती है, जबकि वास्तव में ये दोनों ही स्थितियां महज एक भ्रम है। तो जब भी आपका मन हो, आपको संबंध बनाने चाहिए और इसी से आपका काम आसान होगा। अब दूसरी गलती वो है ज्यादा शारीरिक संबंध बनाना। दोस्तों, जानकारी के अभाव से चलते आज कई लोग गर्भधारणा को लेकर बहुत प्रकार के भ्रम पाल लेते हैं, जिनमें से एक है कि बहुत ज्यादा सेक्स करना। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा करने से केवल आप सामान्य के मुकाबले गर्भधारणा के प्रयास में पिछड़ जाएंगे, बल्कि आपको कमजोरी, घुटने में दर्द, पेशाब में जलन और चक्कर आना ऐसी समस्याओं का सामना तक करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक अधिक संभोग करने से पुरुषों में वीर्य की मात्रा कम हो जाती है, जो गर्भधारणा की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। अब अगला कारण वो है बहुत कम संभोग करना। दोस्तों, कुछ लोग कम शारीरिक संबंध बनाने पर ज्यादा जोर देते हैं। ऐसे लोग मुख्य रूप से ओव्यूलेशन यानी महिला में अंडों की सक्रियता का समय या फिर उन दिनों में ही शारीरिक संबंध बनाने को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ताकि उन्हें गर्भधारणा में 100% सफलता हासिल हो। जबकि ये सोच भी गर्भधारणा में बाधा पैदा कर सकती है। कारण यह है कि प्रत्येक महिला में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया अलग अलग समय पर शुरू होती है, जिसका अनुमान मात्र यह लगाया जा सकता है कि ऐसे में यौन सक्रियता की कमी आपको गर्भधारणा के सुख से वंचित रख सकती है। तो इसका कारण यही है और इसीलिए आपको जब भी मन हो आपको कर लेना चाहिए। अब अगला और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन वो है तनाव यानी बहुत ज्यादा टेंशन। विशेषज्ञों के मुताबिक तनाव गर्भधारणा की प्रक्रिया को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। कारण यह है कि मानसिक दबाव आपकी शारीरिक गतिविधियों पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। इस कारण अगर महिला या पुरुष में से कोई भी एक भी तनाव की स्थिति में संभोग कर रहा है तो ये प्रक्रिया में बहुत ही आपको निचला स्तर दिखाएगा और इसका नतीजा यह आएगा कि गर्भधारणा नहीं हो पाएगी और आपको इन समस्याओं से जूझना पड़ेगा। अब अगला रीजन वो है पुरुष में शुक्राणुओं की कमी। दोस्तों, कई बार महिला के गर्भधारणा में आ रही परेशानी का मुख्य कारण पुरुष साथी भी हो सकता है। कारण यह है कि जब भी पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या में कमी होती है तो गर्भधारणा में समस्या पैदा हो जाती है। इस संबंध के निदान और उपचार के लिए आपको चिकित्सक की सलाह जरूर लेनी चाहिए। अब अगला रीजन वो है टाइट अंडरगारमेंट्स। दोस्तों, टाइट अंडरगारमेंट का उपयोग गर्भधारणा की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा बाधा पैदा करता है। जहां पुरुषों में यह आदत शुक्राणुओं की गुणवत्ता और मात्रा को प्रभावित करने का काम करती है, वही महिलाओं में इस आदत के कारण योनि में संक्रमण होने का खतरा रहता है। इन दोनों ही परिस्थितियों में गर्भधारणा की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। अब अगली गलती वो है अनिद्रा की समस्या। दोस्तों, नींद ना आने की समस्या महिला और पुरुष दोनों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करती है। महिलाओं में यह समस्या प्रजनन चक्र पर बहुत ही बुरा असर डालती है और इस कारण उनमें टेंशन के साथ साथ अनियमित मासिक चक्र की समस्या पैदा हो जाती है, जो गर्भधारणा ना कर पाने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। वही पुरुषों में यह समस्या उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करने का काम करती है और इसके कारण वो संक्रमण यानी बुखार, फ्लू का आसानी से शिकार हो जाते हैं। ऐसे में उनके शरीर में पैदा होने वाली गर्मी
शुक्राणुओं की मात्रा को कम करने का काम करती है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि महिला और पुरुष दोनों में अनिद्रा की समस्या गर्भधारणा की प्रक्रिया को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। अब अगली गलती है, वो है अनियमित वजन। अनियमित वजन भी गर्भधारणा की प्रक्रिया को प्रभावित करने का काम करता है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर आपका वजन कम है तो यह आपकी प्रजनन क्षमता को प्रभावित करेगा। कारण यह है कि कम वजन कुपोषण की ओर इशारा करता है और इसी कारण महिला ओवुलेट नहीं कर पाती है, फलस्वरूप गर्भधारणा करने में उन्हें मुश्किल हो जाती है। और वही इसके उलट अगर महिला का वजन बहुत ज्यादा है तो भी गर्भधारणा में काफी कम संभावना रहती है, चाहे आपका ओवुलेशन चक्र नियमित क्यों ना हो। इसलिए वेट को बैलेंस करके चलना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब अगली गलती होती है, वो है चिकनाई का अधिक उपयोग। दोस्तों, शारीरिक संबंध बनाने के दौरान अधिक चिकनाई का उपयोग भी गर्भधारणा की प्रक्रिया को प्रभावित करने का काम करता है। विशेषज्ञों के मुताबिक बाजार में उपलब्ध चिकनाई वाले पदार्थ जैसे जेल, तेल या फिर क्रीम शुक्राणुओं की गति पे नकारात्मक प्रभाव डालती है और इसी कारण इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा रुकावट पैदा होने लगती है और फिर आगे काम नहीं बढ़ पाता। अब अगली गलती जो भूल कर भी ना करें, वो है नशे की लत। दोस्तों, धूम्रपान, शराब का सेवन या फिर ड्रग्स लेने की आदत गर्भधारणा न कर पाने की एक बहुत बड़ी वजह मानी जाती है। माना जाता है कि जहां महिलाओं में यह आदत उनकी प्रजनन क्षमता को प्रभावित करती है, वहीं पुरुषों में यह आदत उसके शुक्राणुओं की गुणवत्ता और मात्रा पे बहुत बड़ा असर डालती है। और इसी कारण यह कहा जा सकता है कि नशे की लत महिला और पुरुष दोनों में बांझपन या फिर नपुंसकता की जोखिम को बढ़ाने का काम करती है। अब अगली गलती है, वो है प्रदूषण। दोस्तों, प्रदूषित वातावरण भी गर्भधारणा की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने का काम करता है। इस संबंध में किए गए शोध में पाया गया है कि वातावरण को प्रदूषित करने वाले पदार्थ जैसे विषैले रसायन या फिर कीटनाशक, सिगरेट का धुआं या फिर प्लास्टिक का प्रयोग आदि प्रजनन क्षमता में बहुत बुरा असर डालते हैं और इसी प्रकार प्रदूषित वातावरण गर्भधारणा ना हो पाने का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। अब अगली गलती, वो है स्मार्टफोन को रखना। दोस्तों, आज के समय में स्मार्टफोन और मोबाइल लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा हो चुके हैं, लेकिन ऐसा करना आपके शुक्राणुओं की मात्रा काफी हद तक कम कर सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक मोबाइल फोन से जो रेडिएशन निकलता है, जो शुक्राणुओं को नुकसान पहुंचाता है। अगर आपके पति भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं तो हो सकता है कि आपके गर्भधारणा ना कर पाने की एक वजह उनका स्मार्टफोन भी हो सकता है। तो ऐसे में सोते वक्त कम से कम मोबाइल को अपने से बहुत ज्यादा दूर रखने की आपको कोशिश हमेशा करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।